दोस्तों, आज मैं आपको स्विच के बारे में बता रहा हूँ, इनकी वायरिंग कैसे करते हैं। ये कुछ स्पेशल स्विच हैं, जैसे ये वाला मेरा पुश पुश वाला है, ये वाला जो मेरा ये स्विच होता है, ये डीसी और एसी को कन्वर्ट करता है। हमें इसको एसी में कन्वर्ट करना या डीसी में, इस टाइप का है। देखो, इसमें पोल भी हैं। ये सिंपल स्विच है ये वाला, और कुछ जो हमारे बिजली के बोर्ड वगैरह में लगते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगते हैं, सेम ये भी इस तरह का स्विच है। ये मॉडुलर जो फिटिंग होती है, इसमें यूज होते हैं। तो मैं खासकर इस वाले जो है, ये रोकर स्विच है, इनके अलग अलग नाम है। ये मेरा रोकर स्विच है, मुझे इसके कनेक्शन कैसे करने हैं मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इसके कनेक्शन के लिए वैसे तो थिम्बल आते हैं बने बनाए, और इनमें हम पुश फिट करते हैं बस। और यदि हम इनको शोल्डर से कनेक्शन करने हो, तो हमें इसका ना विशेष ध्यान रखना होता है। विशेष ध्यान क्या है, ये जो वाले हमारे पॉइंट हैं, तो हम इनको ज्यादा हीटअप नहीं कर सकते। यदि हम हीटअप करेंगे तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और जो अंदर के कनेक्शन हैं, उनके कनेक्शन नहीं बन पाते ऑन ऑफ करने पे। तो हमें इसको ज्यादा हीटअप नहीं करना, इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, पेस्ट लगा लेते हैं, फिर शोल्डर से हम प्यार से इसको शोल्डर करते हैं। इसको ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्विच खराब हो जाएगा। क्योंकि ये स्विच जो इंस्ट्रूमेंट है, इनमें लगते हैं, स्पेशल स्विच होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। और ये वाला भी ऐसे ही प्लास्टिक में है, तो इसको भी हम ज्यादा गर्म नहीं करते। ये खाली क्या होता है, किसी चीज को पुश करके और स्टार्ट करना होता है, खाली ये वाला पुश बटन होता है। और ये वाला मेरा एकदम सिंपल सिंपल स्विच है। तो मैं इसकी आपको वायरिंग करके दिखा दूंगा कि कैसे इनकी वायरिंग करते हैं। अभी मैं आपकी इनकी इसकी खासकर इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ। मुझे इसमें जो है कनेक्शन है, इनपुट और आउटपुट होता है। इसमें जो मेरे वायर हैं, ये वाले मेरे इनपुट हैं, और ये वाले ये आउटपुट हैं। तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट में जैसे ही हम इसको ऑन ऑफ करते हैं, तो इसमें भी बत्ती जलती है, और जब इसको ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, जब इसको हम ऑफ करते हैं, तो इसकी बत्ती भी ऑफ होती है। इसकी खास बात यही है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारे घर में लाइट है या नहीं, और इंस्ट्रूमेंट में लाइट गई या नहीं। और ये जो ये है, ये एकदम सिंपल है, इसमें इंडिकेटर नहीं है, इस वाले स्विच में इंडिकेटर है। तो दोस्तों, और ये वाला स्विच है, इसके भी मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। इसके कनेक्शन भी कुछ अलग ही तरीके हैं, मैं भी सर्किट के माध्यम से आपको बता रहा हूं, बस वीडियो को एंड तक देखते रहें। दोस्तों, ये वाले मेरे इनपुट के हैं, तो इनमें ये मैं सबसे पहले जो सप्लाई लगाता हूँ, इनपुट इनपुट इस पे लगेगी। ये इनपुट लगा दिया है मैंने, और ये दूसरा वायर। दोस्तों, एक खास बात होती है, इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों के कनेक्शन होते हैं। इसमें फेस और न्यूट्रल साथ साथ दोनों ही ऑन ऑफ होते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट को सेफ रखता है। जो भी कनेक्शन होंगे वो सेफ होंगे। ये तो मेरी हो गई इनपुट की वायर, और ये वाला जो है, ये मेरी आउटपुट की है। ये वाला मैं इस पे ये लैंप लगा रहा हूं, ये मेरा हो गया है। आउटपुट वाली है, देखो दोस्तों, बस ये इस तरह के कनेक्शन है। ये वाली तो इनपुट हुई, और ये वाली आउटपुट, ऐसे कनेक्शन करने हैं। यदि ये वाले मैं कनेक्शन इधर कर दूंगा, तो उल्टे हो जाएंगे, फिर स्विच का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑन ऑफ तक रहेगा, लेकिन इसमें बत्ती वो ऑन ऑफ, ये वाली बत्ती ऑन ऑफ नहीं होगी, इसमें लाइट परमानेंट जलेगी। तो बस इसके कनेक्शन इस तरह के ही हैं, मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूं। दोस्तों, ये रहा मेरा बिजली का बोर्ड, तो मैं इसमें ये स्विच लगा देता हूं। ये मैंने इसमें बिजली के तार लगा दिए हैं, तो इसमें देखो कोई भी सप्लाई नहीं आई, यहां से कोई भी सप्लाई नहीं आई। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, ये ऑन किया, तो इसमें बत्ती जल गई। तो इससे मुझे ये पता रहेगा कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई चले गई है, कि इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया है।
और जो ये मेरे वाले ये सिंपल स्विच है, इनमें बत्ती नहीं जलती, इसमें सिंगल एक वायर होता है और न्यूट्रल इसमें कॉमन होता है। देखो मैंने बंद किया तो इंस्ट्रूमेंट आगे बंद हो गया और इसकी बत्ती भी जल गई। तो जो इस स्विच का नाम है ये रोकर स्विच है। तो कहीं मार्केट से लें तो इसमें रोकर स्विच के नाम से ही लें। इसमें रोकर स्विच दो तरह के होते हैं, एक तो बत्ती वाला और एक बिना बत्ती वाला। तो ये जो मेरे कनेक्शन है ये इस टाइप से हैं, बस इसको सावधानी के साथ देख लो। जो ये वाला है ये स्विच मेरे इनपुट हैं, ये मेरे आउटपुट हैं। वायर ऑन ऑफ में लगाते हैं, जो मेरा ये ऑन ऑफ करता है, बस ये बीच में से इसको कट कर देता है। दोस्तों जो ये स्विच है ये इसके कनेक्शन ऐसे कर देते हैं, ये इसके कनेक्शन हो गया एक तार। ये इसका जो स्विच है ये खाली सिंगल स्विच है, इसका काम होता है बीच में से परिपथ को ब्रेक करना, बस ये बीच में से ब्रेक करता है। ये वाला जो वायर है ये वाला मेरा सीधा सीधा आउटपुट में ये गया और ये इनपुट, और ये एक जो वायर है ये कॉमन होता है। तो ये मेरा इस टाइप से है, ये सीधा सीधा ये हो गया, बस ये सीधा देखो ये ऐसा हो गया, ये इनपुट और ये आउटपुट एक इसमें एक वहीं। दोस्तों ये जो मेरा ये स्विच है ये इस टाइप से है, ये वाले मेरे पोल हुए और ये वाले मेरे आउटपुट और ये वाले भी मेरे आउटपुट। तो दोस्तों ये मेरा इनपुट हुआ ये वाला, इसमें भी न्यूट्रल और फेस दोनों ऑन ऑफ होते हैं। तो जब हम इनको पुश करते हैं तो ये कनेक्शन इस पे जुड़ते हैं ये वाले, तो ये मेरा आउटपुट हुआ। और जब हम इसको ऑफ करते हैं तो इस ये वाले कनेक्शन मेरे इस साइड में जुड़ते हैं इधर ये वाला, तो इसका आउटपुट ये हुआ। तो इस स्विच के काम है, जब ऑफ करते हैं तो इधर चलता है और इधर पुश करते हैं तो इधर चलता है ये। तो कभी कभी हम इसको ये वाला हम इसको न्यूट्रल मान लेते हैं, इसको फेस मान लेते हैं, तो हम ऐसे इसके कनेक्शन करते हैं। ये मेरा कॉमन है, मुझे किस चीज पे ये चलाना है और किस पे नहीं चलाना है। तो ये मेरे बीच में कॉमन होते हैं और ये दोनों आउटपुट, ये दोनों आउटपुट, इसमें भी न्यूट्रल और फेस होता है। तो इस स्विच को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।